अविनाश के अवार्ड्स की याद आ गई। अविनाश को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट कैटेगरी में। इस बार और नहीं मिला ना। आप लोग जानते कि नहीं मालूम नहीं, अविनाश को इंडिया से बाहर भी लोग पहचानते हैं। हम वहाँ गए थे न्यूयॉर्क, बहुत अच्छा लगा कि अविनाश को। I've gone to Switzerland, Zurich. तो वहाँ पे कैलिफोर्निया से कोई आया था, कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क वो साइड के जो एरियाज में जो थे ना दे रिकॉग्नाइज्ड। जब भी हम मॉल्स में जाते हैं ना हाँ। तो अविनाश को देख के बोलते हैं तुम अपनी बिन्नी को इतना परेशान क्यों करती हो। नेगेटिव रोल में दादी सा जो भी चाहते हैं, नेगेटिव रोल में यही प्रॉब्लम होता है। मैं जब भी अविनाश के बारे में भी कुछ बोलना चाहती थी तो वो बीच बीच में उस और किसी टॉपिक के बारे में तो बातें बहुत ज़्यादा करती है, तो एक्चुअली हम लोगों को इतना बातें करने की आदत नहीं है। अभी भी ना देखा मैं अभी। आई थिंक पता नहीं वो कुछ तो अच्छा कुछ कुछ तो देखती हूँ आपकी अभी क्या करती है किचन में। बहुत टाइम हो गया, भूख लगी है बच्चों को। जहाँ एक तरफ पहले ही दिन तपस्या की माँ नए घर में परेशान है किचन में बंटवारा और काम के तरीके को देखकर, वहीं छोटी तपस्या भी अपनी माँ की कमी को महसूस करके परेशान है। एक दिन फोन पे बात नहीं हुई तो ऐसा कभी होता है? कम ऑन, बी अ गुड गर्ल। You said new mom, na? Stop crying, Ishita. Please, don't behave like this. I told you, na, you have to be comfortable. I'm comfortable. तो फिर क्यों रो रही हो? I'm missing my mom. Mom नहीं है, लेकिन मैं mom के जगह पे हूँ ना। Mom जैसा आपका ख्याल रखती है, मैं भी वैसे ही ख्याल रखूँगी। आप रख रही हो वैसे? रख रही हूँ ना। अगर रख रही हूँ, तो क्यों फिर रो रही हो? मेरे को याद है, मैं क्या करूँ? ये भगवान। ये नेचुरल है कि वो सेंसिटिव है तो ख़राब तो लगेगा ही। सच बताऊँ, उसको देख के मुझे भी रोना आ रहा था क्योंकि मुझे अविनाश की याद आ रही थी। प्रीति जी, हाँ बोलो। मैं सोचा कि मैं अविनाश यहाँ सोता है, मैं यहाँ सोता हूँ, कविता यहाँ सोती है। तो अविनाश को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बोलिए तो मैं कहीं और। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाहर गद्दा पे छाद हो गया, नो इश्यूज विद दैट। हाँ पक्का पक्का कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम, पक्का पक्का पक्का। मैं यहाँ पे आज फ्लोर पे सोऊंगी जो शायद मैं 15 साल से ज़्यादा हो गए ज़मीन पे गद्दे लगा के नहीं सोई हूँ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आई ट्राई। न्यू मॉम के साथ सोऊंगी फ्लोर में और आप इधर सोना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अगर आपको वहाँ अच्छा लगता है तो यू कैन स्लीप देयर। ऐसा रात को कभी भी कुछ लगे कि पापा तो यू आर ऑलवेज वेलकम बेटा। ओके कम, यू आर माय लवली चाइल्ड। दूसरा दिन सुबह 8:30 बजे। गुड मॉर्निंग। हेलो, वेजेंट ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है? अभी इशिता उठ जाएगी ना तो उसको पूछेगी उसका पसंद का बनाएंगे। इशिता के हिसाब से ही बनता है हमेशा। बहुत अजीब मुसीबत है एक्चुअली इस घर में, हर एक चीज़ इशिता के पसंद की बनती है। एनीवेज हर घर के अपने अपने रूल्स हैं। लेट मी सी लोगों के एक्टिविटीज़ देखती हूँ। मैं चुप नहीं रहने वाली, मैंने डिसाइड कर लिया है। दिलीप जी बोलिए, आप इशिता को उठाएंगे? जी हाँ, उठा दीजिए फिर। नो प्रॉब्लम। इशू बेटा, ओके 5 मिनट चल। आई टू कम बैक अगेन, उसका ऐसा ही रहता है। 5 मिनट वेट करते हैं। अरे जनाब, अपनी बेटी को जगाने में इतना भी क्या डरना? और फिर आपकी बोलती बंद करने वाली धर्म पत्नी भी यहाँ नहीं है, थोड़ी हिम्मत तो कीजिए। ट्राई करते हैं। यस, ऑल द बेस्ट टू मी एंड यू। गुड मॉर्निंग दिको, कम ऑन चलो बेटा, एग्जाम की स्टडी पण करवानी छे आपणे। चलो गुड मॉर्निंग बेटा। ओके। एक्चुअली मैं थोड़े हद तक पिस्ड ऑफ हो गई हूँ। सिंस आप बच्चे को ओवर पैम्पर्ड करते हो,
इसीलिए जो है आपका बच्चा एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद उसके बिहेवियर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए। इशिता, आप कपड़े ऐसे क्यों रखते हो? ये घर के कपड़े, ये बाहर जाने के कपड़े ऐसे। लेकिन मुझे लगता है ये गलत है, ऐसे नहीं रहने चाहिए कपड़े। आप थोड़ा सेंटिमेंटल हो रही हो। What's wrong, इशिता? इशिता, इसमें गलत क्या है? मैंने गलत कुछ बोला? मैं आपके कारण नहीं रो रही। तो क्या हो गया? याद आ रही है, लाइफ में हर प्रकार का चेंज आदमी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। स्टबन होके जिंदगी जी नहीं जाएगी बेटा। ओके, सॉरी मिस। ये लेक्चर थोड़ी ना है बेटा। अरे तपस्या, ये आपके आंसू भी ना बिन मौसम बरसात की तरह जब देखो गिरने लगते हैं। कहीं कैमरे के आगे अपनी कलाकारी तो नहीं दिखा रही हैं आप? प्रीति जी, अविनाश को दूध देना, उठ गया है वो। यस, ट्रे में दीजिएगा बिस्किट, दूध और ट्रे में दीजिएगा। बिस्किट नहीं है प्रीति, बिस्किट ले आना। देवाशीष जी, आपका बेटा अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तो खुद भी बोल सकता है, उसे बोलने का मौका तो दीजिए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कविता को मिस कर रहा हूँ मैं। क्यों ना अभी उसको रास्ता मिला है ना, अभी नहाने गया, 10:45 बजने जा रहे हैं, मुझे करना पड़ेगा। मैंने जैसे रूल बुक में पढ़ा कि सारे डिसीशन प्रीति लेती है, आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरे को ऐसा कोई ये नहीं है ईगो कि भाई व्हाई शी इज टेकिंग अ डिसीजन। बच्चे का ग्रोथ बराबर होना चाहिए, फैमिली में ज्यादा कंकास ना होना चाहिए, ज्यादा तुतुमेमे ना होना चाहिए। नहीं, उन्होंने एक्चुअली मेरे लिए मैसेज ये छोड़ा है कि अगर मैं आपको थोड़ा और इंडिपेंडेंट बना सकूं। उल्टा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तकलीफ उसे बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से तो न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में काफी एडवांटेज है। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली इन द सेंस, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ की वाइफ और उनकी बेटी। अच्छा, तो 6 जन है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का और उन लोगों में बातचीत नहीं है। पर वो बात करेगी कि नहीं करेगी प्रीति? नहीं, प्रीति जी से बात करेंगी, उनकी प्रॉब्लम एक्चुअली मुझसे है। अगर मैनुअल में इस तरह से बताया गया कि बात नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब वो क्यों नहीं चाहती कि आप उनसे बात करो? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम लोग आपस में लड़ते झगड़ने का टाइम नहीं है।